भाजपा ने 85 लाख रुपए देकर सोलन के एक व्यक्ति दीनानाथ के साथ इकरारनामा किया और 118 की अनुमति लेने के बाद रजिस्ट्री करवाने की शर्त रखी। इससे पहले कि भाजपा जमीन को अपने नाम करवाती, जमीन के मालिक ने ये जमीन सोलन के अन्य व्यापारी को बेच दी और उनके नाम पर रजिस्ट्री भी करवा दी, जिसकी भनक जब भाजपा के पदाधिकारियों को लगी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। इस बात को लेकर लापरवाही की जिम्मेवार नेताओं की हाजिरी संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष लगनी आरंभ हुई। आनन फानन में जमीन के मालिक और इकरारनामे के गवाह भाजपा पूर्व पार्षद मनीष कुमार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। भाजपा पूर्व पार्षद मनीष सोपल को जैसे ही ये पता चला कि भाजपा के नेताओं ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें दोषी ठहराया है और अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में निवेदन किया, जहां से जमानत को रद्द कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मनीष को 15 दिनों की मोहलत मिली है। मोहलत मिलते ही मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सच्चाई मीडिया के समक्ष रखी। मनीष कुमार पूर्व पार्षद आज ये अपनी स्थिति स्पष्ट करने को मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी भाजपा कार्यालय की भूमि का प्रकरण है, ये जो भी चला है, इसमें मेरी कहीं भी संलिप्तता नहीं है, ना ही भूमि खरीदने में और ना ही सौदा करवाने में किसी तरह की भी नहीं। जिस तरह से मुझे मीडिया के माध्यम से बिचौलिया यूज़ किया जा रहा है वर्ड के बिचौलिए के रूप में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी तरह से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टी के नेताओं के आदेश पर, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी सोलन के नेता थे, उनके आदेश पर एक गवाह विटनेस के रूप में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तहसील में उपस्थित हुआ था। जो एग्रीमेंट इकरारनामा हुआ था वो सत्य है और उस पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं। कौन कौन नेता? जो भी परचेज कमेटी के यहाँ नेता है, उनके द्वारा मुझे वहाँ पर बोला गया था कि आपने वहाँ पर विटनेस बनना है। जो हमारे परचेज कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ साइन करना है, तो उनके कहने पर मैं वहाँ एग्रीमेंट साइन करने गया था। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करूँगा कि जो भी यह पुलिस जांच हो रही है, पुलिस अपनी जांच करवाए या सरकार किसी भी एजेंसी से अपनी जांच करवाना चाहती है, करवाएं। मैं उसमें पूर्ण रूप से और पूर्ण तरह से सहयोग पहले भी कर रहा था, आगे भी करूंगा और अभी भी कर रहा हूं। मैं शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह भी करूंगा कि भाजपा अपने लेवल पर भी इसकी जांच करवाए, अपने एज ए संगठन के तौर पर। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा पक्ष भी वो सुने, मैं ये आशा उनसे करता हूँ। और दूसरी जो बात अभी मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगी है कि जैसा कि सोलन के स्थानीय नेताओं द्वारा बताया गया कि मेरे कोई एनपीए अकाउंट हुए थे, तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मेरा उस दिन छोटी शॉपकीपर हुआ करती थी, स्पेयर पार्ट की दुकान हुआ करती थी, तो जो बिजनेस था मेरा वो बैंक लोन के माध्यम से था, वो बैंक का मेरा लिमिट थी, लोन था, वो मेरा आज भी स्टैंड चल रहा है, उसी तरह स्टैंड है, कोई मेरा एनपीए अकाउंट नहीं हुआ है। जो भी स्थानीय नेता है हमारे, जो सोलन के स्थानीय नेता है, परचेज कमेटी के जो नेता है, उनके द्वारा ये मेरी छवि खराब करने को, वह मेरी वार्ड में छवि और मेरी धर्मपत्नी जो पार्षद इस टाइम वार्ड नंबर 1 से, हमारी परिवार की छवि खराब करने को ये पूरा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो उन परचेज कमेटी के सदस्यों द्वारा रचा जा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।